अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गए नए एक रेसिपी लेके। तो आप सब कैसे? आशा रखती हूँ ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ अल्लाह के रहमत से। तो मैं हूँ मुमताज़, मेरे चैनल पे आप सबको स्वागत है। जो पहले बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है स्किप ना करके देखना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना अच्छा लगा तो। और जो सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका थैंक यू सो मच। तो चलो शुरू करते हैं आज नीम की पूरी कैसे बनाते हैं। तो निमकी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जो लेना है मेज़रमेंट कप का 1 कप मैदा। तो अभी मेज़रमेंट कप का 1 कप मैदा मैंने ले लिया। अभी मुझे जो देना है वो 1 चम्मच के जैसा चीनी, 1 चम्मच काला जीरा अभी दे दूंगी मैं तेल। तो अभी मैं 1 चम्मच के जैसे यूज़ किया, यूज़ हुआ बाद में मेरे को ज़रूरत पड़ा तो और भी 1 चम्मच ले लूँगी मैं। और 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम ले लिया नमक। तो अभी सबको एक साथ अच्छे से मिला लिया। अभी मेरे को लगा कि और थोड़ा सा तेल देना पड़ेगा, इसलिए और भी 1 चम्मच के जैसा तेल में दे दिया। तो और भी अच्छे से मिला लिया। देखिए इस तरीके से करने के बाद ये टूट जाएगा तो इसका मतलब ये रेडी हो गया। तो अभी मुझे थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। अच्छे से भूनने के बाद इसको मैं रेस्ट में रख दूँगी 30 मिनट की जैसा। ये देखिए 30 मिनट के लिए मैं ढक के रख दिया था, रेस्ट में रख दिया था। अभी इसको 2 भाग में कर लूँगी, तो ऐसा 2 कर लूँगी। इसको मैं अच्छे से एक गोल रोटी के जैसा बना लूँगी। तो गोल एक रोटी मैंने बना लिया और ये रोटी को मैं फोल्ड करते हुए कट कर लूँगी। तो चाकू में से कट करने के बाद फिर ये रोटी छोटा छोटा करके रोटी बेल दूँगी। तो मैं दिखा दूँगी कैसे बेल रही हूँ। तो आज मेरे अबू जल्दी आ गया था, मेरा अब 11 बजे ये रेसिपी कम्प्लीट कर रही हूँ क्योंकि सुबह आप सबके साथ शेयर करना है मुझे। तो अबू आने के बाद मैं कैमरा पकड़ के बैठा है और कैमरा पकड़ने को अबू को बिल्कुल भी नहीं आता है। बहुत मतलब मेरे पास ही बैठा था और मैं ही दिखा रही थी तो बेलने को नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे पास में बैठे थे करके। तो ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया। तो इस तरीके से बना लेना मैं ठीक से, और एक बार बना के आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ कैसे बनाया मैं। तो ऐसे गोल कर लेना, हाथ में थोड़ा सा तेल दे देना है। फिर ऐसे गोल करने के बाद हल्के हाथों में इसे प्रेस करना है थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे ऐसा प्रेस करना है। तो जैसे समोसा बनाते हैं इस तरीके से। बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। ये देखिए इस तरीके से बना लिया, और एक बार दिखा देती थी मैं ये फोल्ड कैसे किया है। ये देखिए रोटी बनाने के बाद इस तरीके से एक साइड में से पकड़ने के बाद ऐसे दूसरे साइड में लगा देना है, और फिर से इस इधर से लेके और एक बार फोल्ड कर देना है। तो बन गया निमकी का एक डिजाइन, जैसे फोल्ड करते हुए निमकी की जैसा शेप बन गया। तभी मैं देखिए सब रेडी हो गया, अभी फ्राई करने चली जाऊंगी। तो देखिए मैं तेल दे दिया कढ़ाई पे, तेल हल्का गर्म होगा तभी देने का, और ज़्यादा गर्म होने के बाद मत देना नहीं तो जल जाएगा और ऊपर तो पक जाएगा, हो जाएगा तो अंदर कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से इसको बहुत टाइम देके इसको फ्राई करना है, और मैंने बहुत ही कम तेल यूज़ किया है। आप चाहे तो ज़्यादा तेल यूज़ कर सकते हो तो ज़्यादा फूलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं, अच्छा ही है ज़्यादा तेल देने से, बट मैंने कम तेल दिया है। मैं रात को बना रही थी रेसिपी तो अच्छे से लाइट भी नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। आप सबकी दुआ रहेगी तो बहुत जल्दी ये सब कुछ बंदोबस्त हो जाएगा लाइटिंग का। इस टाइप का रेसिपी को हमारे बंगाली में खस्ता रेसिपी बोलते हैं, और एक खस्ता रेसिपी बहुत मज़ेदार होता है, छोटे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं और बड़े को भी, चाय के साथ बहुत ही जम जाता है ये रेसिपी। ज़रूर घर में ट्राई करना, अच्छा लगेगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि अगले जब वीडियो में अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलो देखो कितना अच्छा हुआ है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल दूसरा कोई रेसिपी नहीं तो ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, बिंदास रहो और मेरे लिए प्लीज़ दुआ करो और ऐसे ही मेरे साथ रहो आगे जाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।